कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं, कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है, और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। मैं आज हरियाणा के लोगों के पास आया हूं, आपके इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है, और मैंने तो हरियाणा की रोटी बहुत खाई है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन
बड़े फैसलों के होंगे, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने वाले होंगे। अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा, ये गरीब के सपनों का घोंसला होगा, ये उनके सपनों का लॉन्चिंग पैड होगा। साथियों, लोकसभा चुनावों के दौरान मैंने ये भी कहा था कि हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों के भीतर देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है और इनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां ये मेरे हरियाणा में भी है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त। देश के बुजुर्गों को दी गई गारंटी मोदी ने पूरी कर दी है। मैं हरियाणा के सभी भाइयों और बहनों से कहूंगा, आप अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, आपके माता पिता की चिंता आपका ये बेटा, आपका ये भाई कर रहा है। साथियों, हरियाणा में भी भाजपा सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है।
भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। भाजपा सरकार आने से पहले हरियाणा के आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं था। आज हरियाणा में करीब करीब 100% नल कनेक्शन वाला ये राज्य बन रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बिजली का बिल जीरो करने में जुटी है। और इसके लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत केंद्र सरकार हर परिवार को, यहां बैठे हुए सबको कहता हूं, मोदी है मौका मत जाने दीजिए। और हरियाणा का तो मुझ पर विशेष अधिकार है भाई। हर परिवार को करीब 80,000 रुपये की मदद दी जा रही है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ एक एक परिवार के लिए 80,000 रुपया। और डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिए, मोदी ने तो कहा मैं 80,000 दूंगा, इसमें हरियाणा के हमारे भाजपा के लोगों ने तय किया है हरियाणा के हर घर को 30,000 रुपये की मदद यहां की सरकार एक्स्ट्रा, यानी 1,10,000। साथियों, आपकी कमाई बढ़े, आपके पैसे बचे, ये भाजपा सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, हरियाणा ने हमेशा से मुझे बहुत प्यार दिया है। यहाँ के दूध दही, हरियाणा की रोटी और माताओं बहनों के स्नेह का कर्ज चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा कर्ज मुझ पर है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझकर आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। और ये बातें भाजपा की भलाई के लिए नहीं है, ये बातें मोदी की भलाई के लिए नहीं है। दिल में एक दर्द है, आग है, और इसलिए जब आप मेरे परिवारजन मेरे पास हैं तो मैं मेरा दिल आपके सामने हल्का करना चाहता हूं। अपनों के सामने मैं आज देश की मुझे जो चिंता हो रही है, आपकी, आपके बच्चों की, आपके भविष्य की, और इसलिए कुछ गंभीर बातें हरियाणा के मेरे भाई बहनों के सामने रखता हूं, देश भी उसे गंभीरता से सुनेगा। साथियों, आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वहां 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है? हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की गुट्टी पिलाई थी,
लेकिन जो भी वायदे किए उनमें से कोई पूरे नहीं किए। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का वह दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। हिमाचल में बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। और लोकसभा में भी आपको नहीं देखा है, उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालय पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना, साथियों भाजपा सरकार ने पहले जो मुफ्त इलाज की योजना हिमाचल में चलाई थी, नौजवानों को बैंकों से मदद लेने की जो योजना चलाई थी और भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से चलाई थी, हिमाचल के लोगों का कल्याण करने के लिए चलाई थी, ऐसी सारी योजनाएं हिमाचल में अब ठप पड़ गई है। हिमाचल की आर्थिक हालत कांग्रेस ने इतनी खराब कर दी है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। साथियों, जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटक में तो हाहाकार मचा हुआ है, वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास कार्य ठप है। कांग्रेस आने के बाद निवेश और नौकरी दोनों कम हो गए हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है।
हरियाणा को बचाने के लिए करना पड़ेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए करना पड़ेगा। साथियों, मैं कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? कहीं तो करके दिखाओ। किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है? जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते? आप देखिए एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ एमएसपी देती है इतना ही नहीं, बल्कि भाव का अंतर भी देती है, भावांतर योजना चलाती है। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, वो लोग कर्नाटका और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं? वहां किसानों को कितना एमएसपी देते हैं? साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आप यूरिया का उदाहरण देख लीजिए, यूरिया का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की बिकती है, वही बोरी आपको सिर्फ 300 रुपये से कम में दी जाती है। कहां 3,000 दाम और कहां 300 से भी कम में मिलना। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान के सर पे पड़ने वाले थे वो पड़ने नहीं दिए। 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है ताकि मेरे किसान पर बोझ न बढ़े। साथियों, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, क्या कांग्रेस के राज्य में किसी किसान के खाते में कभी पैसा जमा होता था क्या? जरा जोर से बताइए ना, होता था क्या? एक रुपया भी आता था क्या? ये लोग एक पाई भी नहीं देते थे। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने का काम भाजपा ने किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों के खाते में जमा किए हैं, 3.25 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस किसानों को अपने हाल पर छोड़ देती है।
मैं आपको फिर कर्नाटक का उदाहरण दूंगा जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ कुछ महीनों के राज में आप सुनकर के चौंक जाएंगे, कुछ ही समय के राज में कर्नाटक में करीब 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग, आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सूखा पीड़ित किसान, आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई, इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। साथियों, कांग्रेस ने किसानों के साथ ही हमेशा देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी धोखा दिया है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की। इससे हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है अकेले हरियाणा में, जबकि कांग्रेस ने तो पूर्व सैनिकों को भी अनेक दशकों तक इसके लिए लटकाए रखा था। और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे ताकि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंक सके। साथियों, मुझे बराबर याद है 15 सितंबर 2013 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था और मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम 15 सितंबर को रेवाड़ी में हुआ था, पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम हुआ था और मैंने पूर्व सैनिकों के सामने मन से सामने सर झुकाकर कहा था कि मैं आपकी तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं वो आरोपी लागू करूंगा। कांग्रेस वालों ने 500 करोड़ का खेल खेला था। साथियों, सरकार में आने के बाद हमने वो आरोपी लागू किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही हमने ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है और इस अक्टूबर से मेरे पूर्व फौजी भाइयों को इसका भी लाभ मिलने लग जाएगा। साथियों, मैं यहां आने से पहले जम्मू कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है?
ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। यानी कुछ साल पहले तक वहां हरियाणा के हमारे वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी बम बंदूक की गोलियां चलाते रहते थे, मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह कहीं न कहीं से तिरंगे में लपेटकर उनका शरीर घर लौटता था, वो शहीद हो जाता था। कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है, वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। साथियों, गांधी जी हमेशा सत्य की वकालत करते थे। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर भी महात्मा गांधी जी के संस्कारों का असर रहा, लेकिन आज ये वो पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस जाने ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है तो भी उसको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। भाजपा को बदनाम करने के लिए, उसे भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए
तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेरकर का जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी, ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। ऐसी एसटी ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा
हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है। 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है। 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के नौजवानों को हुआ। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया है। इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से यहां करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। साथियों, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने का मतलब है सबका विकास, तेज विकास। तीसरे टर्म में कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा सेंटर बनाने का हमारा अभियान तेज होगा। गीता महोत्सव और ज्योतिसर अनुभव केंद्र यहां बन चुके हैं। संत रविदास जी के भव्य स्मारक पर भी काम शुरू हो चुका है। विकास कैसे हर काम तेजी से हो, इसके लिए तीसरी बार यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है। 5 अक्टूबर को कमल निशान पर उंगली दबानी है। आप सभी के आशीर्वाद, फिर एक बार भाजपा सरकार बनाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े उमंग और उत्साह के साथ आए हुए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर हमें अपना आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम सबको नया उत्साह दिया। तो ऐसे हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी का मैं हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और हम सब नारा लगाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो।